नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं दिग्विजय सिंह और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अमृता सिंह जी की नर्मदा पैदल पूर्ण परिक्रमा यात्रा के उद्यापन अवसर यानी समापन समारोह की कुछ और विशेष झलकियां। नर्मदे हर। धर्म की, अधर्म का, प्राणे में, विश्व का, हर हर महादेव। नर्मदे हर। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। तुम मेरे लिए ये बहुत अभूतपूर्व और सौभाग्य का क्षण है। मैं इस अभूतपूर्व सौभाग्य के क्षण को साक्षात उपस्थित करने के लिए अपने परम पूज्य गुरुदेव पूज्य दत्ता जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ कि पूज्य दत्ता, आपने कितनी अहेतुक कृपा की कि सनातन धर्म के जो सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए हैं, या ये कहें कि जो धर्म को स्वयं में धारण करते हैं, या ये कहना भी बड़ा सीमित है, ये कहना चाहिए कि जिनको धर्म स्वयं में धारण करता है, ऐसे ईश्वर स्वरूप शिव स्वरूप परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के दर्शन का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ। तो मैं परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ कि आपकी अहेतु की कृपा हम बच्चों के ऊपर बनी रहे। हम सब विषय वासना वाले लोग हैं, तो परम पूज्य दादा हमारी वासना को उपासना में परिवर्तित करने के लिए और इस शुभ अवसर को प्रदान करने के लिए आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। ये कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के भागीरथी कर्म की साक्षी मातेश्वरी यमुना है, जो कर्म का प्रतिरूप है। भागीरथ के धर्म की साक्षी मातेश्वरी गंगा है, जो धर्म का प्रतिरूप है। लेकिन मातेश्वरी के बारे में यह कहा जाता है कि ये स्वयं परमात्मा शिव महादेव के द्वारा प्रदत्त की गई हैं हम सबको, तो ये मर्म का प्रतिरूप है। तो ऐसी मर्मज्ञ मातेश्वरी नर्मदा की परिक्रमा करने वाले हमारे सबके बड़े भाई श्री दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने अपने नाम को चरितार्थ किया, उनके नाम का मतलब होता है दिग्विजय, यानी समस्त दिशाओं में जो व्यक्ति विजय प्राप्त करे, ऐसे व्यक्ति या ऐसे गुण वाले व्यक्ति को हम दिग्विजय के नाम से जानते हैं। तो आदरणीय भाई साहब, आपने जो इस अकथनीय कर्म को संपन्न किया है, अभी किसी ने कहा था कि आप सत्ता के यानी राज के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए थे और आपने ऋषि के कर्म को संपन्न कर दिया, तो लोग आपको जो प्रेम से राजा कहते हैं, तो अब आपको राजा नहीं, कहीं ना कहीं राजर्षि के नाम से संबोधन करना चाहिए। तो ऐसे राजर्षि राजा दिग्विजय सिंह जी, परिक्रमा का मुझसे किसी ने अभी हाल ही में पूछा कि यह परिक्रमा क्या है और राजा दिग्विजय सिंह जी को क्या लाभ होगा, तो मैंने कहा भैया मैं तो सांसारिक आदमी हूं और परिक्रमा का सीधा सा अर्थ इतना जानता हूं कि जब बच्चा अपनी माँ से किसी मांग की अपेक्षा करता है, तो आप और हमने देखा होगा, हम और आप सब बच्चे थे तो अपनी माँ के आंचल को पकड़कर हम उनके गोल गोल घूम जाते थे, और जब गोल गोल घूमते थे तो हमारी कितनी भी कैसी भी इच्छा क्यों ना हो, हमारी माँ प्रसन्न होकर उस इच्छा की पूर्ति करती थी। इसीलिए कहा गया है कि कुपित पिता को देख लाड़ला दूर नजर से भग जाता है, और माँ मारे तो बचने बच्चा माँ से और लिपट जाता है। पिता यदि जड़ है तो माँ का प्यार डाल जैसा होता है, और फूलों का संबंध जड़ों से अधिक डाल से ही होता है। तो आपने आदरणीय भाई साहब दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय भाभी साहब अमृता सिंह जी और आदरणीय रामेश्वर भैया तथा आपके साथ चलने वाले 300, जीवन में कई यात्राएं होती हैं लेकिन पुण्य यात्रा का अपने आप में बड़ा महत्व होता है, और पुण्य यात्रा में, सामाजिक यात्रा में हजारों लोग आदरणीय भैया के साथ चले, राजनीतिक यात्रा में हजारों लोग आदरणीय भैया के साथ चले, लेकिन उनकी पुण्य यात्रा में सिर्फ मात्र 300 लोग उनके साथ चले, और ये वो 300 लोग हैं जिनके अंदर स्वयं के कल्याण का भाव नहीं,
संसार के कल्याण का भाव छपा हुआ होता है। तो ऐसे शुभ संकल्प वाले सभी तीर्थयात्रियों को मैं सादर प्रणाम करता हूं, आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। मेरा ये मानना है कि जब हम समस्त तीर्थों पर जाते हैं तो हम तीर्थयात्री कहलाते हैं, लेकिन हमारी मातेश्वरी नर्मदा जिनके आंचल में हमारा आपका जन्म हुआ है, जब आप इनकी परिक्रमा करते हैं, इनको तीर्थ करते हैं, तो आप तीर्थयात्री नहीं कहलाते हैं, मातेश्वरी नर्मदा आपको स्वयं तीर्थ बना देती हैं। तो आज से आदरणीय भाई साहब आप तीर्थ स्वरूप हो गए हैं, और तीर्थ का मतलब ही होता है कि जो लोगों के कष्ट को, जो लोगों के त्राण को तार दे, यानी इसमें स्वार्थ का भाव नहीं होता, इसमें परमार्थ का भाव होता है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि मातेश्वरी के सानिध्य में जो तीर्थ स्वरूप आपने प्राप्त किया है, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं स्वयं के दायरे से हटकर संसार के दायरे में निकल के आ गया है। जब मैं गया था, मैं 3 बार भाई साहब के साथ यात्रा में सम्मिलित हुआ, मैं आह्लादित था। मैंने देखा कि उनके साथ उनकी धर्मपत्नी आदरणीय भाभी साहब अमृता सिंह जी चल रही हैं। मुझे लगा कि देखिए कि जैसा कि पूज्य दत्ता कहते हैं कि पुरुष जो होता है वो कर्म प्रधान होता है और स्त्री जो होती है वो धर्म प्रधान होती है, तो मुझे कभी कभी इनकी जोड़ी को देख के लगता था कि कर्म आगे जा रहा है और धर्म उनके पीछे है, या कभी कभी लगता था कि कर्म और धर्म दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो जिसके मूल में, जिस भी कर्म के मूल में धर्म छिपा होता है, निश्चित रूप से वह कर्म अपने आप में फलित और शुभ के संकेत को लेकर आता है। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं भाभी साहब कि आपने बिल्कुल धर्मज्ञ के रूप में, बिल्कुल उसी निष्ठा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप चली हैं। तो आपका धर्म ही आपका कर्म था, और आदरणीय भाई साहब आपका कर्म ही आपका धर्म है, ये वाली जो बात मुझे समझ में आई, तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मेरे लिए ये परम सौभाग्य का विषय है कि अब हम और आप, हमने जब ये निवेदन किया, पूज्य दत्ता जी चूंकि राजा साहब को, आदरणीय भाई साहब को दत्तक पुत्र मानते हैं, और जब हमने और पज्जन भैया ने ये निवेदन किया कि हम लोगों की इच्छा है कि साथ, हम तो कल्याण के इस यात्रा में आपके साथ शामिल नहीं हुए, लेकिन इस कल्याण के सुफल को लूटना चाहते हैं, और सुफल को लूटा ही तब जा सकता है, तब कहीं ना कहीं आपके द्वारा छोड़ा गया अन्न का दाना अगर हमारे मुंह में पड़ जाए, तो ऐसी आपने अद्भुत कृपा करी इस बर्मान घाट के ऊपर कि हमको उस भंडारे की व्यवस्था के लिए आपने बहुत बहुत प्रेम के साथ, स्नेह के साथ और विश्वास के साथ आपने इसको सौंपा। तो हम बहुत आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद के भाव से भरे हुए हैं। मेरे लिए एक और आनंद का विषय है कि हम सबके परिवार के बड़े के रूप में आदरणीय रामेश्वर नीखरा जी, उनके साथ लगातार 612 दिन इस कठिनतम तप्त यात्रा को संपन्न करते आए। तो भैया, आपके निरंतर चलते रहने से कहीं ना कहीं वो सफल हम सबके ऊपर पहुंच गया है, तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। एक और विचित्र संयोग जो मुझे देखने मिला कि 9 का अंक सबसे बड़ा माना जाता है, ये पूरी यात्रा 606 महीने और 12 दिन में संपन्न हुई है, तो इसका योग कितना हुआ, 6 और 1 7 और 2 9, आज 9 तारीख है, तो ये भी बड़ा एक सुखद संजोग वाली बात है। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपके अंदर मातेश्वरी नर्मदा निश्चित रूप से 9 की क्षमता दें, क्योंकि 9 की एक बड़ी विशेषता होती है कि यदि आप 9 के अंक से किसी भी अंक का गुणा करते हैं तो वो सामने वाले अंक को मिटाकर ध्वस्त कर देता है और स्वयं के अस्तित्व को बना लेता है, और 9 के अंक में यदि आप किसी अंक को जोड़ दें तो वो अपने अस्तित्व को उस अंक में विलीन करके उस अंक के अस्तित्व को बढ़ा देता है। तो ऐसी आपके अंदर परमात्मा मातेश्वरी नर्मदा क्षमता दें कि जो आपसे गुणा करे, मतलब बुरा मतलब लड़े, तो जो आपसे लड़े वो उड़े, और जो आपसे जुड़े वो कहीं ना कहीं अपने स्थान पर, क्योंकि ये जो चमत्कारी बात है ये परमात्मा महादेव शिव की है कि महादेव शिव बिल्कुल वैसे ही होते हैं कि जिसने बनाया वो उसी के हो गए। अगर मान लीजिए राम ने बनाया तो रामेश्वर हो गए, हरि ने बनाया तो हरीश्वर हो गए, और जहां का बनाया वो वही के हो गए कि अगर नर्मदा जी के किनारे बना दो तो वो नर्मदेश्वर महादेव हो जाएंगे, पीपल के नीचे बना दो तो वो पिंपलेश्वर महादेव हो जाएंगे। तो मातेश्वरी नर्मदा का एक एक कंकड़ शंकर माना जाता है। तो आपने ये जो 6 महीने 12 दिन में मातेश्वरी नर्मदा की जो परिक्रमा की है, तो आप साक्षात
कहीं ना कहीं शिव के उस परम तत्व को उपलब्ध हो गए हैं। तो हम बहुत बहुत आपका अभिनंदन करते हैं आदरणीय भाई साहब कि आपके अंदर शिव का वह स्वरूप, शिव की वह आत्मा, शिव का वह शुभत्व का उद्देश्य निश्चित रूप से आपके अंदर निरंतर प्रकाशित होता रहे। मुझे लगता है कि ये गुरु कृपा का ही परिणाम होता है, क्योंकि गुरु को सर पर राखिए और चलिए आज्ञा माही, ये प्रत्यक्ष प्रमाण आप देख रहे हैं। ये कठिनतम तपस्या थी कि ठंड में भी चले, गर्मी में भी चले, नदी में भी चले, पहाड़ में भी चले, धूप में भी चले, ये आपने देख ही लिया होगा। तो ये गुरु कृपा का के परम पूज्य शंकराचार्य जी जगत गुरु महाराज की आदरणीय भाई साहब और पूरे 300 तीर्थयात्रियों के ऊपर अहेतु की कृपा थी कि आपने उस कठिनतम संकल्प को उनकी कृपा से, शिव कृपा से बहुत सहजता के साथ संपन्न किया है कि गुरु को सर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही और कह कबीर का दास को तीन लोक भय नाही। दोस्तों, नर्मदा पैदल पूर्ण परिक्रमा यात्रा के समापन अवसर की झलकियां अभी और भी बाकी हैं। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए लॉजिकल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर और जानिए किसने क्या कहा इस ऐतिहासिक यात्रा के बारे में। जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। नर्मदे हर।